में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, दो है जो कि पेयर्ड है, और 3p में इसके चार इलेक्ट्रॉन है जिसमें से दो पेयर्ड है और बचे हुए दो अनपेयर्ड है। तो बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं? टू। बट आप लोग को पता है इसके पास टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? सिक्स होने चाहिए। तो ये पॉसिबल है या नहीं है? है। कैसे? क्योंकि आप लोगों को पता है ये इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट थर्ड है, और थर्ड ऑर्बिट में तीन सब ऑर्बिट होते हैं, 3s 3p और कौन सा होता है 3d। और 3d में कितने ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास? पांच ऑर्बिटल होते हैं। अब ये पांचों के पांचों ऑर्बिटल कैसे हैं? खाली एम्प्टी। खाली में, बराबर है। तो सबसे पहले ये जो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारा? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बराबर है। और आप लोगों को पता है कि अगर किसी भी एलिमेंट को क्या तैयार करना है, कंपाउंड या फिर बॉन्ड तैयार करना होता है, तो उसको कौन से स्टेट में जाना पड़ेगा? एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा, बराबर है। अब ये जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स करेगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है पेयर्ड वाले उसको वो शिफ्ट करेगा कहां पर? डी ऑर्बिटल में। मतलब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक 3p का और एक 3s का, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को वो शिफ्ट कर देगा, बराबर है। तो जिसकी वजह से अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो जाएगा बताइए मुझे। 1s 2 2s 3s। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन गया तो 3s में कितना बचेगा अभी? 1 1। और 3p में कितना बचेगा? 3 3। और 3d में कितने आ जाएंगे? 2 2, बराबर है। तो अभी हम लोग के पास देखते हैं कि भाई हम लोगों के पास अभी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो चेक कीजिए अभी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 6 6 हो गए। अब मुझे बताओ अब इनका क्या होना जरूरी है नेक्स्ट? एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद में वो डायरेक्टली बॉन्ड तैयार करते हैं क्या? नहीं। क्या होना पड़ेगा अभी यहाँ पर? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन बताइए अभी किस किस का होगा यहाँ पर? किसका होगा? बताओ भाई, ये जो तीनों आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है ये तीनों का हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। तो बताओ कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गए अभी हाइब्रिडाइजेशन में? s 3s। अब थ्री वाला मतलब अभी उसका एनर्जी लेवल ध्यान में मत, सिर्फ सब ऑर्बिट के नाम बताओ कि कौन से सब ऑर्बिट हाइब्रिडाइज हुए हैं। बताओ कौन सा हुआ है? S हुआ है, ओके। उसके बाद में P हुआ है। अच्छा, P के कितने ऑर्बिट हुए हैं? 3। तो P के तीनों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुए हैं। उसके बाद में फिर D दो। और D के कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुए हैं? 2 2 2। पांचों के पांच हुए हैं क्या? नहीं। पांच में से सिर्फ दो का हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। तो मतलब हमारा स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा यहाँ पर? sp3d2। तो sp3d2 जो है ये स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन रहेगा सेंट्रल एटम का, फिर चाहे सेंट्रल एटम सल्फर हो, सेलेनियम हो या टेल्यूरियम है। गॉट इट? समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। ओके, डन। और ध्यान में रखना, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया कि भाई स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है, और आपको एक सिंपल सा ट्रिक बता देता हूँ स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। आप ध्यान में रखो वैलेंसीज को, वैलेंसी डिटरमाइन करो या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, जो भी आप उसको कहना चाहते हो, पहले वो डिटरमाइन करो। वो डिटरमाइन करने के बाद में आपको मिलेगा 2 3 4 5 6 वगैरह वगैरह वगैरह, बराबर है। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे डिटरमाइन करेंगे पता है क्या? देखिए आप लोग इसके ऊपर फोकस करो, नंबर्स के ऊपर,
ये नंबर्स में आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो दो रहेंगे, दो में से एक हमेशा ध्यान में रखना, हमारे पास सब ऑर्बिट कितने हैं, टोटल चार है, एस पी डी और एफ, ओके। और हर एक सब ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल ध्यान में रखना, एस में एक ऑर्बिटल होता है, पी में तीन ऑर्बिटल होते हैं, डी में पांच ऑर्बिटल होते हैं, जबकि एफ में सेवन होता है, ये ध्यान में रखना। अब आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पर दो ऑर्बिटल आ गए, तो दो ऑर्बिटल में से पहला ऑर्बिटल कौन सा होगा, मतलब कॉम्बिनेशन क्या होगा, एक एस और एक पी, या दोनों के दोनों पी, या एक पी एक डी, या एक एस एस डी, ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है ना। हाँ। बहुत सारे बराबर है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का सिक्वेंस ध्यान में रखना। सबसे पहला कौन सा ऑर्बिटल होता है, एस, 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 तो भाई पहले तो एस लिख लो। अब एस लिखने के बाद में एक ऑर्बिटल एस हो गया, बचा कितना, एक ऑर्बिटल। अब नेक्स्ट ऑर्बिटल कौन सा होता है इसके बाद में, पी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपली पी। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया हमारा, एस पी। समझ में आ रहा है, तो अगर आप लोग की चीजों की वैलेंसी दो होती है तो हाइब्रिडाइजेशन उसका क्या होगा, दो। ध्यान में रखना है ये जो दो है, ये वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ आप लोग को ये ध्यान में रखना है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ओके, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ऑक्सीजन के केस में जैसे H2O के बारे में हम बात करेंगे, तो H2O में क्या ध्यान में आ रहा है कि ऑक्सीजन का स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी कितनी है, टू है। तो फिर अगर आप लोगों ने देखा कि भाई टू है तो sp रहेगा, और आप लोगों ने डायरेक्टली sp लिख लिया तो ये गलत हो जाएगा, ओके। अब क्यों गलत होता है ये ध्यान दो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p4, ओके। तो यहाँ पर आप लोग को ये ध्यान में रखना है दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बट आप यहाँ पर s को कर सकते हो क्या p के साथ डायरेक्टली कंबाइन, क्योंकि एस में क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, बराबर है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि भाई आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यहाँ पर आप लोग को सारे के, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टी के लास्ट दो ऑर्बिटल में है, और आप लोग इन दोनों को ही मिक्स नहीं कर सकते हो। आप लोगों को अगर मिक्स करना है तो एनर्जी लेवल में जितने भी ऑर्बिटल आ रहे सबको मिक्स करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, राइट। तो इसीलिए आप लोगों को यहाँ एस और पी के तीनों को भी क्या करना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा, जिसके वजह से इसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp3 हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको, हाँ सर। तो ये ध्यान में रखना है, तो लेकिन अब तीन वैलेंसी रहेंगी तो फिर स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2, वेरी गुड। फोर रहेगा तो sp3, फाइव रहेगा तो sp3 और एक d, छह रहा तो sp3 d2। समझ में आ रहा आपको, हाँ सर, ओके। तो इस तरह से आप सिंपली, मतलब इतनी सारी लंबी स्टेट ना करते हुए डायरेक्टली स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है हमारा, sp3 d2 हो रहा है, व्हाट, समझ में आ रहा है आपको, हाँ सर, ओके फाइन। लेटर ऑन फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है वो कौन होता है, ठीक है, देन स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स, ये थर्ड पॉइंट दिया हुआ है। तो SF6 इज मोस्ट स्टेबल, ड्यू टू स्टीयरिंग इफेक्ट। अब ये इफेक्ट क्या होता है ये अभी मैं डिटेल में नहीं समझाता हूँ, रहने दीजिए। आप लोग बस ध्यान में रखना कि SF6 जो होता है ये स्टेबल होता है और ये स्टीयरिंग हिंड्रेंस इफेक्ट की वजह से स्टेबल होता है। और फिर यहाँ पर लिखा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स, ठीक है। अगर हम लोग सिर्फ हैलाइड्स की बात करते हैं, हैलाइड्स हमारे कितने टाइप के हो सकते हैं, चार टाइप के, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अब इसमें से सबसे ज्यादा आप लोग के स्टेबल कौन होंगे, तो स्टेबल होते हैं सबसे ज्यादा SF6
या फिर आप ई लिख लो, एफ सिक्स देन ई सी एल सिक्स देन ई बी आर सिक्स और ई आई सिक्स। जाहिर सी बात है ये तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा ना, ऐसा क्यों हो रहा है तो बताइए क्यों होता है ऐसा, ऐसा क्यों होता होगा? यहां पर सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है? हैलोजन है तब, और हैलोजन में क्या चेंज हो रहा है? एफ सी एल बी आर आई। आप लोग ट्रेन ध्यान में रखना, एफ सी एल बी आर आई क्या होता है? टॉप टू गौतम होता है ना? हाँ हाँ, और टॉप टू गौतम आते हैं तो क्या होता है? इंक्रीज होगा तो क्या होता है? बॉन्ड लेन। क्या होता है बॉन्ड लेन? बढ़ता है। बॉन्ड लेन बढ़ा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है, मतलब वो वाला जो बॉन्ड रहेगा वो जल्दी से ब्रेक होगा। राइट right? इसका मतलब वो स्टेबल रहेगा या फिर अनस्टेबल रहेगा? अनस्टेबल मतलब स्टेबल सबसे ज्यादा कौन रहेगा? एफ वाला रहेगा, सही है? हाँ सही है ना, क्यों? क्योंकि उसका बॉन्ड लेंथ कम होता है और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। वेरी गुड, ठीक है। तो हर चीज में थोड़ा सा अपना वो वाली चीज जो चीज है ना ट्रेंड में हमेशा ध्यान में रखना, टॉप टू बॉटम, साइज लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक नंबर, ओके okay, वो अगर आपने ध्यान में रखा तो सबके एक्सप्लेनेशन आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो ये हो गया हमारा हेक्सा हैलाइड्स के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे टेट्राहैलाइड्स EX4। तो EX4 कैसे बनेगा बताइए, सबसे पहले EX4 कैसे बनेगा? बताइए क्या होगा जनरल रिएक्शन? E प्लस टू टाइम्स X2 बराबर है, बाकी सारे कंपाउंड्स आप लोग वही मिलेंगे। Got it? Yes. अब हम बात करते हैं इसके बारे में क्या क्या जानकारी दी हुई है। तो इसमें कोई जानकारी सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन का दिया हुआ है और शेप के बारे में दिया हुआ है। तो हाइब्रिडाइजेशन और शेप ये दोनों ही जानकारी यहाँ पर साझा की गई है, तो हम उसी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और क्या रहेगा हमारा ज्योमेट्री। तो भाई देखिए स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो बताइए क्या होना चाहिए? वेरी गुड, क्या होना चाहिए? sp3। क्यों, समझ में आ गया ना आपको? हाँ अभी समझा था मुझे, दो रहा तो sp, तीन रहा तो sp2, चार रहा तो sp3, बराबर है। बट यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, अब जैसे सल्फर का एग्जांपल लेकर हम चेक कर लेते हैं, तो इसका एटॉमिक क्या हो जाएगा? 16 हो जाता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, सॉरी 3p4 और 3d0। ये इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, और ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर टोटल क्या है, दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये चार वैलेंस है और यहाँ दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पॉसिबल है क्या? है क्या? नहीं, नहीं। तो इसको कौन से स्टेट में जाना पड़ेगा? एक्साइटेड स्टेट में। तो एक्साइटेड स्टेट में अभी ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को डी ऑर्बिटल में शिफ्ट करेगा। यहाँ दो अनपेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक 2s वाला भी है और एक 3p वाला भी है, तो ये दोनों को करेगा या किसी एक को ही करेगा? दोनों को करेगा। अगर मैंने दोनों को कर लिया तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? एक। और आपको कितने चाहिए? फोर। तो फिर आप दोनों करेंगे क्या? नहीं नहीं, दोनों में से कोई एक करेगा, तो वो एक कौन सा करेंगे, 3s या 3p? 3p। जाहिर सी बात है 3d के पहले 3p आएगा, तो 3p करेगा पहले,
बराबर है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोग का एक्साइटेड स्टेट में TS2, CP3 और 3D1 हो जाएगा, बराबर है, क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या? हाँ। ओके, तो फिर आप लोगों ने इसका अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे क्या बताया था, क्या बताया था? हाँ, SP3 बताया था ना, तो यहाँ पर SP3 पॉसिबल हो रहा है क्या? नहीं। तो चार अनपेयर्ड करना है, तो चार अनपेयर्ड के लिए एक इलेक्ट्रॉन को तो शिफ्ट करना पड़ेगा, और एक इलेक्ट्रॉन को कर दीजिए से मैंने शिफ्ट कर लिया, तो फिर अल्टीमेटली वहां पर क्या हो जाएगा, राइट? तो यहाँ जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगा अभी क्या होगा बताइए फिर आप लोग, बताओ। आप लोगों ने पहले sp3 बता दिया, तो यहाँ सच में sp3 होता है क्या? नहीं नहीं, तो क्या होगा फिर? हाँ क्या होगा, p3d। अब आप लोग ने सिर्फ p और d को ही कंसीडर किया, क्यों? मैंने अभी ऑक्सीजन के केस में क्या समझाया था कि जो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल आप कंसीडर करें उसके सारे ऑर्बिटल आने चाहिए, सारे। आपका लास्ट आउटर मोस्ट शेल का नंबर क्या है? थर्ड, और थर्ड में तीन ऑर्बिटल आ रहे हैं, एस भी आ रहा है, पी में आ रहा है और डी में आ रहा है, डी भी आ रहा है, लेकिन आपने सिर्फ पी और डी कंसिडर किया, चलेगा क्या इसे? नहीं नहीं चलेगा, आपको किसको कंसिडर करना पड़ेगा, एस को भी कंसिडर करना पड़ेगा, बराबर है। तो इसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d, बराबर है। अब sp3d में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे हमारे पास? पांच, एक दो तीन चार पांच हो जाएंगे, बराबर है, राइट? तो पांच में से एक ऑर्बिटल में दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और चार ऑर्बिटल में क्या रहेंगे आप लोगों के? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बराबर है, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो आप लोग को पता है जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं क्या? नहीं। सिर्फ कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में जिसमें क्या हो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, बराबर है, समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। तो इसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है? sp3d हो रहा है। क्या हो रहा है इसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? sp3d। आपके टेक्स्ट बुक में, आपके नोट्स में सिर्फ sp3 हुआ है, वहां करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है? ध्यान में रखना, टेट्राहैलाइड का स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आपके नोट्स में सिर्फ sp3 लिखा है, उसको करेक्ट करके sp3d लिखिएगा, क्लियर है? हाँ सर। गुड, ओके। हाँ, अब इसकी फिर ज्योमेट्री क्या होती है? तो ज्योमेट्री इसकी जो होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है, ठीक है? आप लोग एक बार ना ज्योमेट्री देख लीजिए। देखिए, आज मैं आप लोग को एक होमवर्क देता हूँ, होमवर्क नहीं देता हूँ, छोड़ो, अच्छा नहीं देता हूँ, आप लोग क्या कीजिए, स्टैंडर्ड 11 में एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग, ओके? तो केमिकल बॉन्डिंग में एक टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन का, तो आप लोगों को ना एक टेबल मिल जाएगा, उस टेबल में ना आप लोगों को क्या दिखेगा, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड उसके बाद में आप लोग को मिलेंगी उसकी ज्योमेट्री, एंड उसके बाद में उसका मिलेगा ज्योमेट्री के बाद में उसका शेप, ओके? ये एक टेबल होगा, ओके? वो टेबल याद कर लेना, या फिर लिख लेना, या फिर अपने पास रख लेना, ठीक है? क्योंकि ये टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हम लोगों को शेप और ज्योमेट्री को डिटरमाइन करने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो इसकी ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल की दी, ज्योमेट्री कौन सी दी हुई इसकी? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, गॉट इट? ये ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, गेट इट?
अब हम बात करते हैं हमारे डाई हैलाइड्स की। तो बताइए डाई हैलाइड्स में अभी आपका स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। सबसे पहले स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे डाई हैलाइड्स। ओके, तो ये हमारा डाई हैलाइड्स हो गया। बताओ स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए। अगर आप वैलेंसी के हिसाब से पूछोगे तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए इसका। वैलेंसी के हिसाब से अगर आपने सोचा एसपी होना चाहिए। बट ये एसपी होता है क्या? नहीं। क्यों नहीं होता है? ध्यान रखिएगा, सल्फर वापस एक बार 16 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लेता हूं मैं डायरेक्टली TS2 और 3p। तो बताओ यहाँ ग्राउंड स्टेट में ही 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो कि इसको चाहिए, तो इसको हाइब्रिडाइजेशन करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं नहीं, बट ये तो पॉसिबल नहीं है भाई। अगर कंपाउंड को बनना है तो हाइब्रिडाइजेशन करना ही पड़ेगा। अब जब आप हाइब्रिडाइजेशन करोगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो आप लोग के पास 2 है, और वो 2 अनपेयर्ड एक एस और एक पी में है क्या? नहीं 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 है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ पी में है, लेकिन सिर्फ आप इन दोनों को हाइब्रिडाइज कर सकते हो क्या? नहीं नहीं, आपको करना पड़ेगा तो किसको करना पड़ेगा? दोनों को, एस और पी को। एस और पी दोनों को करना पड़ेगा। तो एस का कितना ऑर्बिटल? 1 ऑर्बिटल, और पी के कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल। तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका? sp3 होगा। अच्छा मुझे बताओ 3d वाले ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व क्यों नहीं किए गए इसमें? डी वाले ऑर्बिटल कब हमको इन्वॉल्व करना है या फिर अभी इन्वॉल्व क्यों नहीं किया गया, ये दिमाग में गया क्या आपके? भाई डी वाले ऑर्बिटल ध्यान दीजिए यहाँ पर कैसे एम्प्टी है। एम्प्टी ऑर्बिटल को आप हाइब्रिडाइज नहीं करोगे, समझ में आ रहा है? उनसे ऑर्बिटल को आप हाइब्रिडाइज नहीं करोगे एम्प्टी। अगर गलती से इसमें एक आधा भी इलेक्ट्रॉन आ गया होता तो फिर आपको इसको भी हाइब्रिडाइज करना होता, समझ में आ गया? हाँ सर। आ रहा है क्या समझ में? और अगर ये भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया होता तो आपको इसको भी हाइब्रिडाइज करना होता। Got it? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। ओके वेरी गुड। ये सारी की सारी चीजें होती हैं, ठीक है। उसके बाद में ये मोनो हैलाइड्स भी टाइप होते हैं। मोनो हैलाइड्स, एक्चुअली मोनो हैलाइड्स हम लोगों ने यहाँ लिखा नहीं है, ये मोनो हैलाइड्स भी तैयार करते हैं जिसका फॉर्मूला होता है K2H2। ओके, ये मोनो हैलाइड भी तैयार करते हैं जिनका फॉर्मूला होता है K2H2। और मोनो हैलाइड में कोई हाइब्रिडाइजेशन करने की वैसे आप लोगों को जरूरत नहीं है, ठीक है। डन। तो यहाँ पर सिर्फ इसका ये फायदा होता है कि इसको आप यूज करके डाई हैलाइड्स बना सकते हैं। दे आर यूज टू प्रोड्यूस द डाई हैलाइड्स। इसको आप डाई हैलाइड्स को बनाने के लिए यूज कर सकते हो। तो ये हो गया हमारे ग्रुप 17 के हैलाइड्स। अब हम बात करते हैं ग्रुप 18 के हैलाइड्स के बारे में। तो देखिए ग्रुप 18 के हैलाइड्स जो होते हैं सिर्फ ज़ेनॉन और क्रिप्टॉन तैयार करता है, ध्यान में रखना। सिर्फ कौन तैयार करता है? ज़ेनॉन और क्रिप्टॉन। इसके अलावा बाकी कोई भी एलिमेंट आप लोगों के तैयार नहीं कर सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या आपको? अरे आ रहा है नहीं? हाँ। और ध्यान में रखना इसमें जो ज़ेनॉन होता है, ज़ेनॉन आप लोग के अलग अलग टाइप के हैलाइड्स तैयार कर सकता है, लाइक डाई हैलाइड्स, टेट्रा हैलाइड्स और हेक्सा हैलाइड। तीन टाइप के हैलाइड्स से स्पेसिफिकली तैयार करते हैं। कौन कौन से? डाई हैलाइड, देन टेट्रा हैलाइड और हेक्सा हैलाइड। समझ में आ रहा है? हाँ सर। और इसका यूज एक पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह होता है। इट इज यूज एज अ पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट। तो इसके बारे में ज्यादा कुछ डिस्कस, आप लोग को रिएक्शन कैसे बनाना है वो समझ में तो आ गई होंगी ना? आई या नहीं आई? तो इतना काफी है आज के लिए, ठीक है। बाकी का हम लोग मेटल्स वाले कल देख लेंगे, अभी टाइम हो गया नेक्स्ट क्लास के लिए। चले, थैंक यू।